हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं इटर्ना एमडी टैबलेट के बारे में। कब इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, प्राइस कितनी है, डोज कितनी लेनी है, मैं आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ये जो इटर्ना एमडी टैबलेट है, अपन इसके अंदर कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है ओंडास्टेरोन 4 mg, मतलब कि यदि कोई पेशेंट है, प्रेगनेंसी वाला पेशेंट है या फिर नॉन प्रेगनेंसी वाला पेशेंट है या कोई वो ट्रेवलिंग कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे वॉमिटिंग हो जाती है या फिर उसका जी मचलाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी यह मेडिसिन बनाई गई है। इसके अंदर ओंडास्टेरोन दिया गया है 4 mg के अंदर, जो कि आपको उल्टी आ रही है उससे राहत देता है, साथ में आपका उल्टी का मन कर रहा है उससे राहत देता है, या फिर आपका जी मचला रहा है तो उससे भी यह राहत देने का कार्य करती है। ये जो टेबलेट है पूरी की पूरी ओरली डिस्टिग्रेटिंग है, मतलब कि आप इसे टॉफी की तरह अपने मुंह के अंदर लेकर चूस सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी यह मेडिसिन बनाई गई है। अब अपन बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी अपन डोज की बात करें तो यदि पेशेंट का मन बहुत ज़्यादा उल्टी का कर रहा है तो वह उसे 2 से 3 दिन लगातार सुबह और शाम ले सकता है, या फिर कोई व्यक्ति ट्रेवलिंग कर रहा है उस दौरान उसे उल्टी आ रही है तो आप इसे एक टैबलेट ट्रेवलिंग करने से पहले दे सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इस टैबलेट की प्राइस के बारे में। तो इस टैबलेट की प्राइस है मात्र 35 रुपीज़, जिसके अंदर 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको नॉर्मली हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। यदि यह इटर्ना एमडी के नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं हो तो आप ओंडास्टेरोन के नाम से मार्केट से परचेस कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर वाला बहुत ही आसानी से आपको अन्य ब्रांड के यह जो टैबलेट है वह निकाल कर दे देगा। तो इस टैबलेट का जो मुख्य उद्देश्य है यह है उल्टी और जी मचलाने से राहत देने का है। अब अपन बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वैसे इस टैबलेट के आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु इस टैबलेट को लेने के बाद पेशेंट के एलर्जिक प्रॉब्लम या अन्य किसी प्रकार की समस्या होने लग जाए तो आप इस टैबलेट का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का उपयोग करें। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है कब इसका उपयोग किया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, प्राइस कितनी है, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दिया है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।